और सबसे पहले मैं जरा यह समझना चाहता हूं, वहां की कैबिनेट देखने के बाद सबसे पहले जहन में क्या आया काटजू साहब? कहा ये यूएन की लिस्ट में सब आतंकी घोषित किए गए हैं, आज से नहीं दो दशक से ज्यादा से घोषित किए गए हैं। अब लेकिन इसके साथ साथ वास्तविकता भी कुछ है, वो ये है कि ये तालिबान के नेता हैं और अब इनके पाकिस्तान से बड़े गहरे संबंध हैं। और आज के दिन वास्तविकता यह है कि ये तालिबान की ने अमेरिका को शिकस्त दी है, अफगानिस्तान की हुकूमत को इतनी शिकस्त मिली कि वहां के राष्ट्रपति भाग गए और इस वक्त वो हुक्मरान। तो अगर तालिबान के को विजय मिली है तो ये स्वाभाविक है कि जो तालिबान के नेता हैं, चाहे उनको यूएन ने टेररिस्ट आतंकवादी या टेररिस्ट घोषित किया है, वही सरकार में शामिल हो, तो इसमें तो कोई अस्वाभाविक बात नहीं। सवाल यह है कि इनके साथ आगे व्यवहार कैसा, अफगानिस्तान के साथ व्यवहार कैसा। एक दृष्टि हो सकती है राजनीतिक, एक दृष्टि हो सकती है सामरिक। विवेक सर, और क्योंकि आपको इस पॉइंट पे, क्योंकि आपका ये सेकंड एलैबोरेशन है, सेकंड सब्जेक्ट का, आपने एक बात बहुत महत्वपूर्ण कही कि ये बात सच है कि ये वांटेड की लिस्ट है, ये यूएन ने, अमेरिका ने इनको वांटेड के कैटेगरी में रखा, लेकिन आज की ये सच्चाई है। ये जो आपने बात कही है सर, मैं फिलहाल इस पर स्टिक करना चाहता हूं, क्या किया जाना चाहिए, मैं इस पर आ रहा हूं सर सेकंड हाफ में, लेकिन पहले जरा इसको लेफ्टिनेंट जनरल बीएस जसवाल साहब से भी समझ लूं। जसवाल साहब, आपके जहन में क्या आया, ये सच्चाई है इस वक्त की काटजू साहब का ये कहना है? गुड इवनिंग गौतम और मिस्टर काटजू और अलोक बंसल, वी डिड द एनडीसी टुगेदर अलोक। जो काटजू साहब ने बात कही है उसमें बहुत गहराई है और ये हकीकत है कि इस वक्त तालिबान की सरकार अफगानिस्तान में बनी है। जो प्रोस्क्राइब टेररिस्ट हैं उनका रवैया अब क्या होगा, टेररिज्म की तरफ होगा या हुकूमत की तरफ होगा, ये देखना पड़ेगा, क्योंकि अल्फाज से ज्यादा जो उनके एक्शंस हैं वो बताएंगे कि उनका रवैया क्या होगा। सो, इसके अंदर जो भी चीजें इस वक्त हम देख रहे हैं कि सारे के सारे जो मिनिस्टर्स हैं कुछ ना कुछ उनके ऊपर या यूएन सैंक्शंस या अमेरिका ने कोई प्राइस रखा हुआ है, उनमें तब्दीली आई है या नहीं आई है, क्या वो जो है अपने जो इस्लामिक शरिया रूल्स को जो है वो सही तरीके से चलाएंगे या फिर टेररिज्म की तरफ जाएंगे। हाँ, उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो अपनी जमीन को टेररिस्ट को वहां से इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देंगे। क्या यह सच है? जब उनके जहन के अंदर जो उनके जो कंट्रोलर्स हैं उनके जहन के अंदर टेररिज्म भरा हुआ है, आपने अभी सारे नाम सुना दिए हैं, खासतौर से हकानी जो है और उनका जो तालमेल आईएसआई के साथ में है, पाकिस्तान इस वक्त सबसे बड़ी नर्सरी है टेररिज्म के लिए, तो क्या उनका रसूख जो है दुनिया की तरफ बदलेगा? ये इंपॉर्टेंट बात सर। News Top 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।